गरीबों की मसीहा लोकप्रिय विधायक कार्मेल माननीय श्रीमान गोराम जी जनसा जन समुदाय से रोहित चौधरी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रेलवे आपसे अनुरोध रहेगा पधारे श्रीमान पृथ्वी जी चंदन नेता प्रतिपक्ष आपसे अनुरोध रहेगा मंच में पधारे आसन स्वीकार करें बाहर जो महानुभाव खड़े हैं आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा पांडाल में लगी कुर्सियों पर विराजें शहरवासियों के लिए 3 करोड़ की सौगात दीपावली से पहले दी किस प्रकार की समस्याओं निजात शहर के लोगों को मिलने वाली दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को शहरवासियों को बधाई देता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाड़मेर में दीपावली के शुभ अवसर पर ये जो अंडरब्रिज 327 का आज लोकार्पण हुआ बाड़मेर की जनता दो भागों में बंटी हुई थी और आज दीपावली के शुभ अवसर पर ये जो
तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समय पर उन्होंने शिलान्यास किया था, तैयार हो गया और उसका जनता को हमने समर्पित किया है। इस दीपावली के शुभ अवसर पर बाड़मेर की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इससे पूरी बाड़मेर की जनता, चाहे गांधीनगर हो, शास्त्री नगर हो, कृषि मंडी के सारे व्यापारी हो, चाहे आगे विष्णु कॉलोनी हो, जितनी कॉलोनी है दो भागों में बंटा हुआ, एक बहुत बड़ा तोहफा आज बाड़मेर की जनता को मिला है। बाकी हमारे जो अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, वो तीव्र गति में उसका काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी वो भी जनता को समर्पित करेंगे, टाइम पर समर्पित करेंगे। बाड़मेर का कैसे विकास हो, बाड़मेर की जनता को कैसे पट्टे मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी की जो ये सोच है कि शहर का कैसे विकास हो, ग्रामीण एरिया का विकास कैसे हो, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए आप देखेंगे बाड़मेर में आपको परिवर्तन मिलेगा। आने वाले 6 महीनों में बाड़मेर की कायाकल्प होगी, सारी सड़कें और साफ सफाई और सुंदरता, लाइट, पानी की व्यवस्था, कच्ची बस्तियां जो बाहर की जितनी भी, उन सभी को शहर के अंदर हम ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं और बाड़मेर का विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सभी को साथ में लेकर। और आपके भी इसमें कोई सुझाव है, हमें बाड़मेर के अच्छा और सुंदर और बाड़मेर की जनता के लिए जो भी अच्छा लगे उसके लिए हम सब मिलकर बाड़मेर के विकास में भागीदार बनेंगे। आज इस मौके पर आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।